बेसिकली फ़ोटो शूट है मैगजीन्स के लिए, काफ़ी डिफरेंट टाइप की कर रही हूँ. यूजुअली मेरे फ़ोटो शूट्स बहुत क्यूट गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप के लगते हैं, जैसे मैं, मेरा कैरेक्टर भी है मेरी फिल्म में. बट आज आई एम ट्राइंग समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, लिटिल मोर सेंशियस एंड हॉट. लेट्स सी, आई होप आई कैन, बिकॉज सारे पिक्चर्स में बहुत क्यूट और गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की लगती हूँ. सो आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, लेट्स सी. किसी मूवी के लिए फोटो शूट हो रहा है जी? बिल्कुल नहीं, मैगजीन्स वगैरह के लिए हो रहे हैं, तो उनका नाम नहीं लूँगी फिलहाल, बट हाँ उन्हीं के लिए हो रहे हैं शूट्स, फिल्म के लिए नहीं है. एवरी डे यार, मैं अगर हो सके तो मैं स्वेट पैंट्स में और टी शर्ट में, पूरी लूज टी शर्ट्स में पूरी ज़िंदगी बिता दूँ. मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उतना ड्रेस अप करना ये वो, बट करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू गोइंग आउट टू एन इवेंट और पार्टी और शूट, यू हैव टू लुक गुड. सो इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट अगर मेरे बस में हो तो आई हैव बीन स्वेट पैंट्स ऑल माई लाइफ यार. जी, दिल जो ना कैसा का रिलीज़ हो रही है 17 नवंबर को. बहुत प्यारी फिल्म है. ट्रेलर, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बहुत क्यूट फिल्म है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवीज़ कैरेक्टर्स जो है इस फिल्म में, सिया जो जिसका किरदार मैं निभा रही हूँ, जय, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्रेंड्स, द पेरेंट्स, एवरीबडी, यू नो दे आर वेरी रियल कैरेक्टर्स. सो यू वॉच द फिल्म, यू विल डेफिनेटली, आई कैन गारंटी यू विल रिलेट टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म, बिकॉज लाइक आप ही के घर में ऐसा हो रहा है. सो दैट्स वॉट, इवन जब मुझे नरेशन मिली थी, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स वॉट आई लव्ड द मोस्ट अबाउट, यू नो वट आई हर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट, दैट द कैरेक्टर्स वर वेरी रियल, द रिलेशनशिप्स वर वेरी रियल. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने इस फिल्म में ना रिलेशनशिप्स को दी है, सिर्फ जय और सिया के रिलेशनशिप को ही नहीं, फ्रेंडशिप को दी है, मम्मी डैडी, मम्मी के साथ उनका रिलेशनशिप, एवरी डैडी के साथ बीजी जो है उनके साथ रिलेशनशिप, एवरी लिटिल रिलेशनशिप जो हम भूल जाते हैं डेली लाइफ में, उनको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी. एंड दैट्स व्हाट्स अ नाइस पार्ट अबाउट. थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, और अपने रियल लाइफ से कितना रिलेट कर पाते हैं इस कैरेक्टर? सिया का कैरेक्टर है, शिमला की लड़की है, गर्ल, स्मॉल टाउन लड़की है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड सिया आई थिंक इज दैट वो शिमला की है, मैं कैनेडा की हूँ. Other than that, we're very alike in the sense that she's very ambitious. If you watch the film, you know that bahut ambitious ladki hai. She was hardworking, and at the same time, the beauty of her character is she maintains all her relationships very well. Like, she has a great relationship with her mom, with her dad, with her dadi, with her brother. So basically, the relationships, we've given a lot of importance to each and every relationship that she has in her life. And that is who I am also as a person. Because I don't think I would be anybody without my parents and, you know, my friends, and I really value relationships a lot. Regardless of how ambitious I become in life, for me relationships matter the most. And Sia ke liye bhi it's the same. So I think we're very relatable in that sense. Okay, just again, normally for the character, film sentence, pehle bahut se cheez scripts mein dekhta hai. So before choosing a film, what do you see in the script? अभी तो फिलहाल मैंने काफ़ी सारी फिल्में फिनिश की है, 4 हिंदी फिल्में मैंने ख़त्म की, शूट एक की अभी भी चल रही है शूट. आई एम वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री एंड आई डेफिनेटली डोंट कम फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड. तो इनिशियली जब मैंने तेलुगू में, तमिल में और हिंदी में भी काम किया, फॉर मी व्हाट आई वेंट फॉर इज द स्टोरी. इफ़ आई कुड रिलेट टू द स्टोरी, देन आई वुड बी लाइक, आई थिंक आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर एंड डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड द स्टोरी इज समथिंग आई लाइक, सो आई थिंक द पीपल वुड लाइक, सो आई गो फॉर दैट. बट नाउ आई थिंक वंस यू डन अ सर्टन अमाउंट ऑफ फिल्म, काफ़ी सारा काम कर लिया है आपने, उसके बाद आपको काफ़ी और चीज़ें मतलब ध्यान में रखना पड़ता है. सो इवेंचुअली आई मीन अभी जब मैं साइन करूँगी तो विल बी लॉट मोर फैक्टर्स दैट आई विल प्रोबेबली कीप इन माइंड रादर देन जस्ट द स्क्रिप्ट. सो या, अगर प्रिया को शिया के कैरेक्टर से कुछ एक चीज़ अडॉप्ट करना हो तो कौन सी चीज़ होगी? सिया के कैरेक्टर से सलवार कमीज बहुत ज़्यादा पहनती हूँ. आई लाइक दैट बिकॉज मतलब मुझे तो एज ग्रोइंग अप इन कैनेडा मुझे कभी पहनने को नहीं मिला सलवार कमीज एंड ऑल ऑफ दिस, यू नो. सो आई हैव डिस्कवर्ड दैट व्हेन आई हैव कम हियर इन इंडिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक यू नो, जब बाहर निकलते हो कुर्ती में, यू नो, सफ़ेद, पिंक, नाइस पैस्टल कलर, एंड यू नो, जस्ट इट जस्ट लुक्स रियली प्रिटी. एंड सी, आप मतलब आपने देखी हुई फिल्म में बहुत सलवार कमीज पहनती है, और मैंने भी पहली बार लाइफ में एक्चुअली शूट करते वक्त इतनी सारी इंडियन आउटफिट्स पहनी है. I really enjoyed it. तो सिया के कैरेक्टर से अगर मुझे वो पिकअप करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और बी मोर ट्रेडिशनल. जैसे कि आपने कहा कि शिमला की गर्ल, मतलब शिमला में शूट हुआ, शिमला काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है, देखा जाता है कुर्फी या कोई भी प्लेस देखा जाता है शिमला के, तो कितना एंजॉय किया और स्टार कास्ट के साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस बता. बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा शिमला में शूट, फर्स्ट टाइम था मेरा माउंटेंस में, इंडियन माउंटेंस में.
मुझे तो बहुत अच्छा लगा. द वेदर वॉज अमेजिंग. यू वर शूटिंग लाइक ड्यूरिंग द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर. ठंड नहीं थी ज़्यादा, सो इट्स नाइस, गुड वेदर. और खाना वहाँ का, ओ माई गॉड, मोमोज वगैरह में तो रोज़, मतलब आई थिंक आई गेन्ड एटलीस्ट गुड 10 pounds वहाँ पे खा खा के. रोज़ सुबह उठ के मैं ये सोचती थी मैं आज क्या खाऊँगी. तो वहाँ पे मतलब, एंड स्ट्रीट फूड वॉज सो गुड. एंड वो मॉल रोड है शिमला, वहाँ पे भी शूट किया हमने. तो वहाँ पे भी हमारा, हम, मेरा और हिमांश का यही एजेंडा रहता है कि आज क्या खाएंगे. सो इट्स वेरी गुड. शूटिंग इन लंडन वॉज, आई सी आई एम फ्रॉम कैनेडा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था. बिकॉज वो तो मतलब आई हैव बीन देयर एंड इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंट. तो मेरे लिए ऊपर हिमांश के, वो पहली बार गए. इनफैक्ट हमारे सेट पे 90% ऑफ द पीपल वो पहली बार गए थे लंडन, तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग था. मेरे लिए तो शिमला ज़्यादा एक्साइटिंग थी. उनके लिए लंडन ज़्यादा एक्साइटिंग था. आई वॉज लाइक लंडन, नो प्रॉब्लम. स्टारकास्ट के साथ में काम करने थोड़ा एक्सपीरियंस बन, बहुत अच्छा लगा. हिमांश के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई थिंक वी द सेम, यू नो, द सेम एज ग्रुप. बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी. एंड दैट्स वाई जय और सिया की जो फ्रेंडशिप है इस फिल्म में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रोमांस से भी ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप दिखाई गई है इस फिल्म में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी थी, इसीलिए वो हम दिखा भी पाए अच्छे से. फिर मनोज पावा जी के साथ काम किया मैंने, एंड दैट वॉज, आई मीन, सच ग्रेट एक्टर्स, केनी देसाई एंड मनोज पावा, बोथ ऑफ देम ब्रिलियंट एक्टर्स. मतलब उनके साथ तो कुछ एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता, नेचुरली आ जाती है एक्टिंग. देर सच गुड एक्टर्स एवरीबडी. या सब फरीदा दादी जो मेरी बीजी का रोल प्ले कर रही है, शी इज़ सो क्यूट ऑन सेट. आई मीन अडोरेबल. मतलब एवरी कैरेक्टर, जशन है, भूवी, भुवनेश मैम है, स्वाति, दीक्षा, एवरीबडी हू प्लेड अ फ्रेंड्स ऑल्सो, वी नेवर हैड टू मेक, ऐसा लगा नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं. एफर्ट रिहर्स, मतलब हम रिहर्स करते थे, वैसे ही इम्प्रोवाइज करते थे. मजा आता था शूट करके. ट्रेलर आ चुका है, कितने सॉन्ग्स और कब तक रिलीज होंगे? सारे सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं कल. आपको नहीं पता एक्चुअली, नहीं सॉरी, आज जो फाइनल सॉन्ग दिल जो ना कह सका, जो श्रेया घोषाल और शहर हडा ने गाई है, टाइटल ट्रैक, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. नहीं सुना है तो जाके सुनो अभी, एंड आई नो यू लव इट बिकॉज दैट वॉज माई फेवरेट सॉन्ग. उसमें मतलब पिक्चराइजेशन कुछ हुई नहीं है ज़्यादा, इट्स अ बैकग्राउंड, मतलब सैड सॉन्ग बजता है, बट श्रेया एंड शैल, दे हैव सैंग ब्यूटिफुली एंड इट जस्ट रिलीज टुडे. बहुत अच्छी, सारे गाने बहुत अच्छे हैं. आपके कोई एक गाना अगर चूज करना चाहें तो आप कौन सा गाना होगा? जो आज रिलीज हुई, दिल जो ना कह सका, द टाइटल ट्रैक. आई वॉज वेटिंग कब रिलीज करेंगे टी सीरीज के लोग, रिलीज करें एक एक करके. आई वाज प्लीज जल्दी रिलीज. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना. इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग, बहुत दर्द है गाने में, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. हाँ हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज से, बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारा काम भी करते हैं यहाँ पे. तो सारे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके बोला बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. सो इट्स वेरी नाइस. मूवी फैमिली को पर डिपेंड है, देखा जाए तो कोई मैसेज छोड़ रही है लास्ट में? हाँ, मतलब मूवी देखिए, इट डज नॉट, इट्स नॉट ओनली अ फैमिली ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, आई थिंक इट ऑल्सो हैज़ अ मैसेज. बिकॉज ऐसा होता है काफ़ी बार कि हम अपने लाइफ की एम्बिशियस में इतना बिजी हो जाते हैं ना, वी फॉरगेट अबाउट दोज पीपल हु मैटर टू अस, एंड वी ओवरलुक दैट लव, द रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये देखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज those things matter. Yeah, it's very, you know, you shouldn't, it shouldn't be too late before you realize ki are yaar sach mein kuch to tha wahan pe. So just watch it, and I know for a fact everybody will relate to it because sabki life mein aisa hota hai. Because so we can say ki ye movie achi agar ek part miss karenge to aap sab kuch miss kar sakte hain. Matlab stuck type movie hai, aapko koi end tak baithna hi padega dekhne. Bilkul, because more than, aisa nahi hai suspense hai, but aisa hai ki you start feeling with the characters. तो आपको वेट इसलिए करोगे बिकॉज आपको लगे क्या, मुझे भी जानना है क्या होगा. मतलब आई होप इट वर्क्स आउट, बिकॉज वो मतलब वो जो सस्पेंस है एकदम एंड में पता चलती है. अच्छा, फाइनली मैम, मूवी की यूएसपी बता दीजिए, ऑडियंस जाए तो क्यों जाए? ऑडियंस इसलिए जाए बिकॉज रोमांटिक फिल्म है, बट इसमें जो रोमांस नहीं दिखाते, फिल्म गाना गा रहे, ये कर रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, वैसा नहीं है. इट्स नॉट कमर्शियल एट ऑल. कमर्शियली हम दिखा रहे हैं फिल्म को, लंडन में शूट है, ये वो है, बट it's a very real film. The content is very real. It's what everybody I think can relate to. And the USP of the film is each and every character is so real that I can guarantee aap dekhenge to aap definitely apne life ke sath relate karenge. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, I need it for my phone. Okay. Phone se acha hai lekin pictures. My best.